बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स 5 यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस एक्सरसाइज 4.2 है, पेज नंबर 46, 47, 48। टॉपिक हमारा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है उसमें जो स्पेशली चीज़ हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो यही होगी कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स SLOs ऑफ दिस टॉपिक। द फर्स्ट वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। एंड सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिविजन बाई 10, 100 एंड 1000। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोना शेयर विद यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। नाउ वी हैव टू आर्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ यू, multiplication and division. Both articles have two examples of each. First one is multiplication. तो बच्चों, जो multiplication का topic आपके सामने है इसमें दो examples आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको। First one is 3.57 multiplied 10 is equal to 35.7। इसमें जो सीखने की बात है बेटे, जब भी मल्टीप्लीकेशन आपने 10 के साथ करनी हो या 100 के साथ या 1000 के साथ, आपने जिस चीज़ को फोकस करना है वो ये है कि जितने भी ज़ीरो होंगे, जैसे 10 है 10 के साथ 10 है, तो आपने जो डेसिमल पॉइंट है उससे राइट साइड, अगेन रिपीट करूँगा, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट है उससे राइट साइड उतने ही डिजिट आपने पॉइंट को मूव कराना है जितने ज़ीरो होंगे। जैसे 10 के साथ 10 है तो आपने 5 के बाद एक जो पॉइंट है वो मूव कराना है 5 के बाद राइट साइड की तरफ। इसी तरह से आप देखें जो सेकंड एग्जांपल है उसमें है 4.1532 मल्टीप्लाई 100। तो इसमें भी अगर आप देखें तो 20 हैं तो राइट साइड की तरफ 2 डिजिट हम डेसिमल को मूव कराएंगे तो हमारा आंसर होगा 415.32। नाउ सेकंड वन इज डिवीजन। डिवीजन में बिल्कुल इसके उलट करना है। जैसे हमारे पास है 51.32 डिवाइडेड बाय 10, तो इसमें अगर आप देखें तो जो डेसिमल पॉइंट है जितने भी ज़ीरो होंगे उतना ही लेफ़्ट की तरफ आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करा देना है। जैसे 10 के साथ 10 है तो 10 को जेन में रखें और डेसिमल को उठाएं और लेफ़्ट साइड की तरफ 1 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल को प्लेस कर दें, तो आप देखें आंसर फिर बन जाएगा हमारा 5.123। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे सामने है वो है 321.5 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 में आप देखें 20 हैं तो आप लेफ्ट साइड को मूव कराएं डेसिमल को, तो ये हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 3.215। क्लियर? इस बात को ज़रूर जहन में रखिए कि जब मल्टीप्लीकेशन करनी होगी तो राइट साइड को मूव कराना है डेसिमल को, और जब डिवीजन करनी होगी तो लेफ्ट साइड को डेसिमल मूव कराना है। क्लियर? शाबाश। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। अब आप गौर फरमाएं, जो चीज़ें मैंने आपको पिछली स्लाइड में सिखाई थी उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे है। तो आप देखें 38.2 मल्टीप्लाई 10 में अगर आप देखें तो 10 में चूँकि 10 है इसलिए हम राइट साइड को डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। तो जब हम राइट साइड को देखेंगे तो आप जितने डिजिट हैं
वो ज़ीरो के लिहाज से हम देखेंगे कितने ज़ीरो हैं, चूँकि ज़ीरो एक है तो डिजिट भी एक हम मूव कराएंगे, तो एक डिजिट हम डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे तो आंसर 382 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता चलूँ, जितनी भी फिगर्स में आपको डेसिमल लिखा हुआ, डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ नज़र नहीं आता, समझ लें कि उसमें डेसिमल पॉइंट एंड पे ही होगा। इस तरह आप 100 के साथ देखें 20 हैं तो 20 राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को मूव करा दें, तो 1000 में देखें 30 हैं तो राइट साइड पे 30 डेसिमल पॉइंट को मूव करा दें। इस तरह से आप सही तरीके से डेसिमल पॉइंट को प्लेस करने में कामयाब हो गए। तो मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव कराना है, और जब डिवीजन करनी है तो उसका उलट यानी लेफ्ट साइड को डेसिमल पॉइंट आप मूव कराएंगे। तो 10 में अगर आप देखें, चूँकि 10 है तो हम 1 डिजिट लेफ्ट साइड पर डेसिमल पॉइंट को मूव करा देंगे। इस तरह से 100 में 20 हैं तो इसलिए हम लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स मूव करा देंगे डेसिमल पॉइंट को। इस तरह से 1000 में 3 डिजिट्स मूव करा देंगे डेसिमल पॉइंट को। इस तरह तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000 करने के काबिल हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है वो है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में जो कुछ भी हमने पीछे पढ़ा है, जो सीखा है, उसको जहन में रखिए। जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड को मूव करेंगे ज़ीरो के लिहाज से, और जब डिवीजन होगी तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव कराएंगे ज़ीरो के लिहाज से। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको अच्छे तरीके से पूरे ध्यान से कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।